हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्लोबल टीचर्स। मैं करतार कौर, आज आईपी में एसक्यूएल के अंदर हम स्ट्रिंग फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। फंक्शंस क्या होते हैं? जब ऑलरेडी मैं किसी कीवर्ड का कोड लिख के कहीं पे स्टोर कर दूँ, उसको हम बोलते हैं फंक्शंस या प्री डिफाइंड फंक्शंस। प्री डिफाइंड मतलब ऑलरेडी उसकी जो डेफिनेशन है, जो कोड है, वो कहीं पर लिख के स्टोर करा हुआ है। स्ट्रिंग फंक्शंस में फर्स्ट फंक्शन है हमारे पास लेंथ फंक्शन। लेंथ फंक्शन क्या करता है? जो भी हमारे पास स्ट्रिंग दिया होगा उसके अंदर हम काउंट करते हैं कितने नंबर ऑफ अल्फाबेट्स हैं, प्लस उसमें स्पेसेस को भी हम काउंट करेंगे। जैसे लेंथ के अंदर मैंने न्यू दिल्ली दी है तो 1, 2, 3 हमने स्पेसेस भी काउंट करनी है, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। तो ये मुझे आउटपुट में दे देगा 9। सेकेंड फंक्शन है हमारे पास अपर फंक्शन, इसको हम यूकेस फंक्शन भी बोलते हैं। अपर फंक्शन हमारे पास जो भी स्ट्रिंग होगा उसको अपर केस में यानी कैपिटल लेटर्स में कन्वर्ट कर देगा। जैसे मेरे पास अपर न्यू दिल्ली है तो ये न्यू दिल्ली को पूरा कैपिटल लेटर्स में कन्वर्ट करके एज एन आउटपुट देगा। थर्ड है हमारे पास लोअर फंक्शन या फिर एल केस फंक्शन। लोअर फंक्शन क्या करता है? जो भी हमारे पास स्ट्रिंग होगा उसको लोअर केस में या स्मॉल अल्फाबेट्स में रिटर्न करेगा। जैसे न्यू दिल्ली है, NND कैपिटल है, ये इसको लोअर केस में कन्वर्ट करके दे देगा। फोर्थ फंक्शन है हमारे पास कॉनकैट फंक्शन। कॉनकैट का मतलब होता है कॉनकैटिनेशन, विच मीन्स टू जॉइन। कॉनकैट फंक्शन में अगर दो या दो से ज़्यादा स्ट्रिंग्स हैं तो हम उन्हें कॉनकैट करते हैं। जैसे मैंने कॉनकैट लिखा है, न्यू इज वन फंक्शन, दिल्ली इज अनदर फंक्शन, तो ये जब इन दोनों को ज्वाइन करेगा तो ध्यान रखिए इसमें हम स्पेस नहीं देते, ये हमको बिना स्पेस के ज्वाइन करके रिटर्न करेगा। तो दिस गिव्स अस द आउटपुट न्यू। फिफ्थ फंक्शन है हमारे पास सबस्ट्रिंग फंक्शन। सबस्ट्रिंग फंक्शन क्या करता है? एक स्ट्रिंग में से सबस्ट्रिंग को एक्सट्रैक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल इन्फॉर्मेटिक्स है, इसके बाद हम जो यहाँ पे नंबर दे रहे हैं दैट इज द स्टार्टिंग पोजिशन। कौन से इंडेक्स वैल्यू से मैं स्ट्रिंग को लेना स्टार्ट करूँगी? जो सेकेंड न्यूमेरिक वैल्यू है वो ये बता रहा है कि कितने नंबर ऑफ अल्फाबेट्स हमको एक्सट्रैक्ट करने हैं। यहाँ पे 3 है तो स्ट्रिंग के अंदर थर्ड इंडेक्स से हम सब स्ट्रिंग को लेना स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। तो F से स्टार्ट करेंगे, कितने अल्फाबेट्स चाहिए मुझे? 4, 1, 2, 3, 4। तो इसका आउटपुट आ जाएगा फॉर्म, FORM। सिक्स्थ फंक्शन है हमारे पास इनस्ट्रिंग। इनस्ट्रिंग फंक्शन क्या कर रहा है? जो भी हमारे स्ट्रिंग के अंदर एक और स्ट्रिंग को हमें जब फाइंड करना होता है हम इनस्ट्रिंग फंक्शन यूज़ करते हैं। जैसे इन्फॉर्मेटिक्स है, इसके अंदर मुझे फॉर को फाइंड करना है, तो फॉर यहाँ पे लाई कर रहा है। हम फर्स्ट पोजिशन से एफ की इंडेक्स वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, तो ये मुझे इंडेक्स वैल्यू रिटर्न करेगा 3। अगर मेरे पास कोई ऐसा स्ट्रिंग है जैसे मिसिसिपी, इसमें मुझे इस की लोकेशन फाइंड करनी है, इसमें देखिए इस 2 बार आ रहा है, तो हम इसकी फर्स्ट अकरेंस की इंडेक्स वैल्यू रिटर्न करेंगे। फर्स्ट अकरेंस कहाँ पर आ रहा है? सेकंड पोजीशन पे, इसीलिए इसका आउटपुट सेकंड आएगा। जो इसकी सेकंड अकरेंस है उसको हम काउंट नहीं करेंगे। सेवन्थ फंक्शन इज लेफ्ट फंक्शन। लेफ्ट फंक्शन क्या करता है? एक स्ट्रिंग के लेफ्ट पार्ट से गिवन नंबर ऑफ अल्फाबेट्स को एक्सट्रैक्ट करेगा। जैसे इन्फॉर्मेटिक्स कॉमा 4 है, दैट मीन्स लेफ्ट साइड से 4 अल्फाबेट्स को एक्सट्रैक्ट करना है, 1, 2, 3, 4, तो ये मुझे क्या रिटर्न करेगा? इन्फो। एट फंक्शन इज राइट फंक्शन। सिमिलर टू द लेफ्ट फंक्शन, राइट फंक्शन भी एक गिवन स्ट्रिंग के राइट हैंड साइड से गिवन नंबर ऑफ अल्फाबेट्स को एक्सट्रैक्ट करेगा। जैसे इन्फॉर्मेटिक्स है, इसके राइट साइड से मुझे 5 अल्फाबेट्स एक्सट्रैक्ट करने हैं, तो ATICS, तो ये मुझे आउटपुट में दे देगा ATICS। नाइन्थ फंक्शन इज ट्रिम फंक्शन। ट्रिम फंक्शन क्या करता है? जब हम किसी सलोन में जाते हैं, हम हमारे बालों को ट्रिम कराते हैं, तो वो हमारे जो एक्स्ट्रा हेयर होते हैं उसको कट कर देता है। सिमिलरली ट्रिम फंक्शन यहाँ पे किसको कट करेगा? जो एक्स्ट्रा स्पेसेस है। अब हमें ये स्पेसेस कट करने की ज़रूरत क्या है? जैसे हम ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं, किसी लड़की का नाम आयशा है तो वो ऑब्वियसली आई कैपिटल लिखेगी। अगर वो आई कैपिटल लिख रही है तो इसका कैपिटल आई एंड जो बॉक्स का बॉर्डर है वो दोनों साथ में मर्ज होते दिखते हैं। तो जिन लोगों का ये नाम होता है उनकी यूजुअली ये हैबिट होती है कि यहाँ पे वो एक स्पेस छोड़ते हैं, उसके बाद अपना नाम लिखते हैं। कभी कभार ऐसे भी होता है यूज़र से गलती से वो स्पेस दब जाती है, और कुछ कुछ लोगों की आदत होती है नाम लिखने के बाद भी एक बार स्पेस बार
प्रेस कर दी तो बाय डिफॉल्ट एक और स्पेस एंटर हो जाती है। अब सपोज करो ये हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस हैं, जैसे यूजर ने नेम एंटर करे हैं, दिस ईशा इज विदाउट एनी स्पेसेस, इस ईशा में स्टार्टिंग में एक स्पेस है, इस ईशा में एक स्पेस स्टार्टिंग में है, एक स्पेस एंडिंग में है, एंड लास्ट ईशा में बस स्पेस हमारे पास एंड पे है। अगर मैं इस पूरे डेटा के ऊपर लाइक कमांड रन करूं कि सिलेक्ट द डिटेल्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स हुज नेम्स आर लाइक आई परसेंटाइल, मतलब जिनका नाम आई से स्टार्ट हो रहा है, तो ये नाम तो आएगा, तो ये तीनों ये दोनों नाम आएंगे इस चीज़ में? नहीं। क्यों? क्योंकि ये स्पेस से स्टार्ट हो रहे हैं, बट टेक्निकली ये नाम आने चाहिए, बट क्योंकि यहाँ पे यूज़र से गलती से वो स्पेस बार दब गई है, इसलिए ये हमको डिज़ायर्ड आउटपुट नहीं दे रहा है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे कमांड रन कर रही हूँ हुज नेम एंड्स विद ए, तो ये वाला नेम भी नहीं आएगा एंड ये वाला नेम भी नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे ए के बाद हमारे पास स्पेस बार है। तो इस तरीके की एम्बिग्विटी को हटाने के लिए हमारे पास ट्रिम फंक्शन है। ट्रिम फंक्शन क्या करता है? इट रिमूव्स द लीडिंग, लीडिंग मतलब जो पहले स्पेस लगी है, जैसे कि ये वाली स्पेस, एंड ट्रेलिंग, ट्रेलिंग मीन्स जो बाद में लगी है, जैसे ये स्पेस। तो इट रिमूव्स द लीडिंग एंड ट्रेलिंग स्पेसेस। अगर हमको दोनों साइड की स्पेसेस को रिमूव करना है तो हम ट्रिम फंक्शन यूज करते हैं। अगर मुझे सिर्फ लीडिंग माने लेफ्ट साइड की स्पेसेस को रिमूव करना है, उसके लिए हमारे पास है एल ट्रिम मीन्स लेफ्ट ट्रिम, तो एल ट्रिम लेफ्ट साइड की स्पेसेस को रिमूव करेगा, एंड आर ट्रिम जो ट्रेलिंग स्पेसेस है, जो राइट साइड पे स्पेस है, उसको रिमूव करने के लिए हमारे पास है आर ट्रिम। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे मेरे पास ट्रिम फंक्शन है एंड स्ट्रिंग डेली है, देखिए डेली से पहले यहाँ पे भी कितनी स्पेसेस हैं, यहाँ पे भी कितनी स्पेसेस हैं, जब मैंने ट्रिम फंक्शन लगाया है तो ये दोनों साइड की स्पेसेस को रिमूव कर देगा, ट्रिम कर देगा, तो मुझे रिजल्ट क्या मिलेगा? डेली विदाउट एनी स्पेसेस। अगर मैं एल ट्रिम लगा रही हूँ डेली पे जिसके दोनों साइड से स्पेसेस हैं, तो एल ट्रिम क्या करता है, जो ये लेफ्ट साइड की स्पेस है इसको रिमूव करेगा, तो ये मुझे डेली दे देगा, बट ये जो राइट साइड की स्पेसेस है ये वहाँ पर रहेगी। अगर मैं आर ट्रिम यूज कर रही हूँ तो लेफ्ट साइड की स्पेसेस रहेगी, जो ये राइट साइड की स्पेस है ये इसको रिमूव कर